डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्यूचर टेंस पर आधारित एक 10 सेंटेंस बेस्ड एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। तो आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी ये सेंटेंस है जिसमें ब्लैंक दिया हुआ है और उसके आगे कोष्टक में वर्ब दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है और हमें टेंस में आई हुई एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करके उस फिल इन द ब्लैंक में लिखना होता है। तो आइए, पहला सेंटेंस, अशोक ब्लैंक गो टू जयपुर बाय नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर आप देखें तो नेक्स्ट मंथ के साथ बाय लगा है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। यानी जब बाय प्लस टाइम हो तो वो आपका टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगे विल और शैल। तो यहां अशोक है यानी कोई नेम है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहां लिखेंगे विल। इसके बाद हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, तो यहां पर हो जाएगा विल हैव गॉन। अशोक विल हैव गॉन टू जयपुर बाय नेक्स्ट मंथ। सेकेंड सेंटेंस, इंडिया ब्लैंक बिकम ए डेवलप्ड कंट्री इन 2030। यहां पर हम इस सेंटेंस में देखें तो एक समय है जो कि फ्यूचर टेंस का है और उसके पहले इन आया हुआ है। यानी जब भी इन के साथ फ्यूचर टाइम या ईयर आता है तो वो आता है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, और फ्यूचर सिंपल टेंस में हम विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इंडिया है तो यहां इसके लिए हम यूज करेंगे विल और फर्स्ट फॉर्म बिकम एज इट इज। यहां पर जो कोष्टक में दी हुई है वो हम लिख देंगे विल बिकम। तो सेंटेंस हो जाएगा इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्रीज इन 2030। यानी भारत है वो 2030 में एक विकसित देश बनेगा। थर्ड, राजू ब्लैंक विजिट द जू टुमारो एट दिस टाइम। अब यहां पर आप देखें तो एट दिस टाइम भी आया हुआ है, टुमारो भी आया हुआ है। टुमारो है वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, एट दिस टाइम है वो कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है। तो केवल यदि एट दिस टाइम हो तो वो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और यदि एट दिस टाइम के साथ टुमारो यानी फ्यूचर टेंस जुड़ा हुआ है तब ऐसी स्थिति में हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आता है विल शैल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहां राजू है तो यहां पर हम राजू के साथ लिखते हैं विल और विल के साथ लगा देते हैं बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो विजिट और उसके साथ आईएनजी यूज करेंगे विजिटिंग, तो हो जाएगा राजू विल बी विजिटिंग द जू टुमारो एट दिस टाइम। यानी राजू है वो कल यानी फ्यूचर में टुमारो इस समय है वो जू का भ्रमण कर रहा होगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, वी ब्लैंक स्टडी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर। यहां पर आप देखें तो नेक्स्ट ईयर यानी फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है और केवल नेक्स्ट ईयर है, इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो यहां पर हम विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर आप देखें तो सब्जेक्ट आपका है वी, तो आई और वी के साथ हम यूज करते हैं हमेशा शैल। तो यहां टेंस का क्वेश्चन है इसलिए हम वी के साथ यूज करेंगे शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी। तो ये हो जाएगा वी शैल स्टडी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, यानी हम अगले वर्ष 11 कक्षा में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, आई ब्लैंक प्ले द मैच नेक्स्ट डे। यानी मैं मैच है वो अगले दिन खेलूंगा। यहां पर भी आप देखें तो नेक्स्ट डे यानी टुमारो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है और फ्यूचर में भी कौन सा फ्यूचर सिंपल। तो यहां पर हो जाएगा विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर आई है तो आई के साथ हम यूज करेंगे शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो आई शैल प्ले द मैच नेक्स्ट डे, यानी मैं अगले दिन एक मैच खेलूंगा। नंबर 6, ही ब्लैंक फिनिश द वर्क बिफोर आई रीच। ही ब्लैंक फिनिश, अब यहां पर आप देखें तो कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन यहां आप देखें तो सेंटेंस ही फिनिश द वर्क और आई रीच के बीच में आया हुआ है बिफोर, और बिफोर के बाद यहां पर आप देखें तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी जब भी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट करता है, तो ऐसी स्थिति में पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को
फिलअप करेंगे। तो यहां पर आई रीच सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी बिफोर के बाद वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। तो ऐसी स्थिति में यहां हम यूज करेंगे विल और शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही है तो ही के अकॉर्डिंग हम यहां यूज करेंगे विल और इसके साथ आ जाएगा हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो विल हैव और फिनिश और इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। तो अब सेंटेंस हो जाएगा ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई रीच, यानी मेरे पहुंचने से पहले वह कार्य समाप्त कर चुका होगा। नेक्स्ट नंबर 7, आई ब्लैंक ईट फूड बिफोर द सन सेट। अब यहां पर भी यही स्थिति है, बिफोर है, बिफोर के बाद द सन सब्जेक्ट सेट्स वर्क की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट कर रहा है, जो कि है सेंटेंस द सन सेट्स, यानी सूर्य अस्त होता है। तो यहां पर भी जब ऐसी स्थिति हो जब बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस का कोई सेंटेंस हो, तो हम उस के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस या टेंस यूज करते हैं। तो यहां पर है आई ब्लैंक ईट फूड बिफोर द सनसेट, तो यहां पर हम यूज करेंगे विल या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई है तो आई के साथ हम यूज करेंगे शैल, फिर आ जाएगा आपका हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की हो जाएगी ईटन। तो अब हो जाएगा आपका सेंटेंस आई शैल हैव ईटन फूड बिफोर द सन सेट। नेक्स्ट है आपका नंबर 8, दे ब्लैंक क्लीन द स्कूल कैंपस नेक्स्ट वीक। अब यहां पर आप देखें तो केवल आपको नेक्स्ट वीक दिख रहा है, जो कि फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और नेक्स्ट वीक के साथ कुछ नहीं है, यानी न वाई है। तो ऐसी स्थिति में आपका होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल में हम यूज करते हैं विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे आया हुआ है तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन। तो दे विल क्लीन द स्कूल कैंपस नेक्स्ट वीक, यानी वे है वो अगले सप्ताह स्कूल कैंपस की सफाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर 9, सरोज ब्लैंक टीच अस साइंस नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर भी आप देखें तो नेक्स्ट मंथ आया है, अगला महीना, जो कि फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम इसके साथ और नहीं जुड़ी हुई है नेक्स्ट मंथ के अलावा, यानी बाई ऐसा कोई वर्ड नहीं आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। तो यहां पर भी हम विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर भी सरोज और सरोज के साथ आ जाएगा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच। तो सरोज विल टीच अस साइंस नेक्स्ट मंथ, यानी सरोज है वो अगले महीने हमें साइंस पढ़ाएगी। लास्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स ब्लैंक सेलिब्रेट दीपावली, यहां पर दीपावली बाय नेक्स्ट मंथ, यानी स्टूडेंट्स है वो बाय नेक्स्ट मंथ दीपावली मना चुके होंगे। तो यहां पर आप देखें तो नेक्स्ट मंथ, ऊपर देखिए तो नेक्स्ट मंथ, नीचे देखो तो नेक्स्ट मंथ, लेकिन यहां नेक्स्ट मंथ से पहले क्या आया हुआ है, बाय आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। तो जब कोई नेक्स्ट या फ्यूचर टाइम के साथ बाय आया हुआ हो तो वो हमारा टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ऐसी स्थिति में हम फिल इन द ब्लैंक में विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज